अरे पीछे लेके गए, पीछे पीछे देंगे, पीछे देंगे, नहीं गई गाड़ी नहीं। घर किनारा में पहुंचे हैं। 2 महीने पहले पुलिस ने उन्हें मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इतनी लंबी जर्नी जो थी आज एंड एंड फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत एक्साइटिंग है। एंड मैं तो रिजल्ट सुनने के लिए ऐसे तरस रहे, मेरे कार स्टे फिंगर्स क्रॉस। एंड बस ये कि दोबारा ये यू नो सारे इकट्ठे शायद ना हो पाए ऐसे, जैसे तो वही है एंड का थोड़ा सा मुझे दुख हो रहा है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। इस जर्नी की अगर बात करें, क्या कहना चाहेंगे, जर्नी कितनी मुश्किल और कितनी इजी रही आपकी? देखो ये जर्नी बहुत मुश्किल है, जो खतरों के खिलाड़ी पे आ रहा है वो है खतरों का खिलाड़ी, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू और बहुत डिफिकल्ट जर्नी है फॉर एवरी वन। जिस जो जो आया है, जो जो था इस शो पर, यहाँ होना ही बहुत बड़ी बात है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग। क्या लगता है कौन विनर होगा? देखो बहुत टफ कॉल है अर्जुन बिजलानी एंड दिव्यांका जी के बीच में, सो आई होप अर्जुन विंस बिकॉज ही इज़ लाइक रियली क्लोज टू मी। बट अगर दिव्यांका देवी जीतेंगे तो मैं उतना ही खुश होंगी, क्योंकि लड़की यार, गर्ल पावर। एंड आपने अपने इस जर्नी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है और साथ ही में बहुत ही ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन भी दिया है अपने कंटेस्टेंट को, लेकिन आज जब अर्जुन और दिव्यांका के बीच किसी एक को विनर एक्सपेक्ट करें तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इस चीज़ को लेकर यही कहना चाहूँगी कि जो वो लोग बहुत डिजर्विंग है यहाँ होने के लिए, ऑब्वियसली तभी वो यहाँ है। एंड आई थिंक जो भी जीतेगा अच्छा ही होगा यार, इट्स अ गेम अल्टीमेटली, किसी ने जीतना किसी ने हारना है, पॉइंट इज यहाँ होना बहुत बड़ी बात है और जो इस लेवल तक पहुंच गए फिनाले तक वो ऑलरेडी अपने आप में। अरे यार फैजान रुक ना, कलर्स पर यू नो जब एक रियलिटी शो पर जब कोई कंटेस्टेंट बनकर आता है तो लोग ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो शायद से कहीं ना कहीं बिग बॉस पर भी नजर आएगा, तो आपकी तरफ से कितना एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं बिग बॉस के अंदर नजर आने? अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है फिलहाल, बट आगे अगर होगा तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, बट अभी मेरा फोकस सिर्फ अपने म्यूजिक पर है, बहुत सारे हिट्स और देने ताकि आप लोग डांस कर पाओ, वरना कैसे करोगे पार्टी। अच्छा दिव्या बिग बॉस OTT जीती हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? लाइक वरुण की बेस्ट कंपेनियन है वो। एग्जैक्टली, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दोनों के लिए। एंड दिव्या से मैं आज तक एक ही बार मिली हूँ, लेकिन शी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन, ब्यूटिफुल सोल, तो आई एम सो हैप्पी दैट शी हैज़ वन द शो। एंड बस यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आज मैं वरुण को भी मिलूंगी तो आई एम गोना हग हिम एंड टेल हिम हाउ प्राउड आई एम। थैंक यू, थैंक यू।